आप सभी का आर्ट एंड बैचेज में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और कोर्सेज मिलते रहें। वन डे एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को यहाँ पर ये ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे, साथ ही आपको एग्ज़ाम अपडेट और एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको नितिन जायसवाल एनजे सर सर्च करना होगा और आपको वहाँ पर मेरी प्रोफाइल मिलेगी। सभी वीडियो कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ पर जाकर के आप FB ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। आज के वीडियो में आप लोग को वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे जो मिक्स होंगे और यहाँ पर आपके प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें है 2, 12, 36 और 80, 150। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कहें कि ये लगभग गुणा जैसा दिख रहा है, 2, 6, 12, 12, 3, 36, फिर 36 का 80, फिर ये 150, ये यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो हम अब यहाँ पर आगे चलेंगे और यहाँ पर और कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाना चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 10 जोड़ा और 10 जोड़ने के बाद 12 और 36 में क्या जुड़ेगा, ये आपका जुड़ेगा 24। और फिर 80, यहाँ से 80 हमको कैसे मिलेगा, यहाँ से आपका 4 आया, 80 से अगर हम 36 घटाएंगे यहाँ पे 7 हो गए, 44 जुड़ा। और फिर 150 में से 80 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 70 आ गया। अब यहाँ पे हम अगर इनका अंतर देखें तो यहाँ पर हमारा अंतर दिया गया है 14, यहाँ पे अंतर दिया गया है 20 का, और यहाँ पे अंतर आया हुआ है 10, 6 और ये 4, 2, 6। तो ये देखें अगर हम, तो ये 14, 6, 20 और 6, 26। तो जो अगला नंबर हमको यहाँ पे मिलेगा 26, 6, 32। इसका मतलब अब हमें यहाँ पर जो चीज़ मिलेगी 70 में 32 जोड़ करके मिलने वाली है। तो 70 में हम 32 जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, 2 और ये 102 मिलेगा। और ये जो 102 है अब 150 के आगे इसे जोड़ा जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, लेंदी था, ये 2 स्टेप का था। तो इसका आंसर आएगा 2, 5 और 152 इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा तरीका मुझे और यहाँ पर समझ में आ रहा है, आप बता दूं यहाँ पे इसको, और हम एक छोटे से मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 12 और यहाँ पर लिखा है 36। तो आप इसको जो है कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 2 के लिए आप यूज कर सकते हैं 1+1, 12 के लिए आप यूज कर सकते हैं 8+4, 8, 4, 12। और 8 और 4 क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। और ये जो 36 लिखा है आप 36 को लिख सकते हैं 27 और +9। ये क्वेश्चन मैंने पीछे वाले वीडियो में, जो 1 घंटे का वीडियो है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। और 80 को आप क्या लिख सकते हैं, 64+16, ठीक है। 150 को क्या लिख सकते हैं, आप इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर, इसी तरह ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब + 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर। और 150 क्या लिखा हुआ है, 5 का क्यूब + 5 का स्क्वायर। तो आगे हमको क्या मिलेगा, 6 का क्यूब + 6 का स्क्वायर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 216 और +36, तो ये हो जाएगा 6, 6, 12 की 2 हासिल 1, 3, 2, 5, और ये 252 आपका, आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा 252, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है 6, 14, 36 और 98, ये दिया गया है। तो इसमें भी हम तुरंत क्या कर लें, देख लें क्या क्या जोड़ा घटाया गया है। यहाँ पर हमारा सबसे पहले 8 जोड़ा गया, तब 14 आया, और यहाँ पे हम 2 और ये 3 में से गया 2, 22 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। 98 से अगर हम घटाएं 36 को तो हमें मिलेगा 62। 8 में से 6 गया 2, 9 में से 3 गया 6। अब यहाँ से देखें और यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम कहेंगे ये 8 3 24 -2 दिख रहा है हमें, और ये है 22 3 66 और -4। अगर हम आगे इसी तरह बढ़ें, ठीक है, जैसे हमने 8 3 24 किया, यहाँ 62 किया, वैसे ही आगे अगर बढ़ना चाहें तो गुणा 3 करके हमें अब की बार क्या करना होगा, या तो हम 6 करेंगे माइनस में या तो हम 8 करेंगे। ये चीज़ हमारी यहाँ पर फिक्स नहीं है, हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसा हमको इसमें ऑप्शन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिजल्ट सर्च करेंगे, ठीक है।
इसके अलावा भी मुझे यहाँ पर जो मेथड समझ में आ रहा है, जो मेथड मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसको आप देख लीजिए। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं मैथमेटिक के टर्म में। जो 6 होता है वो लिखा जाता है, 1, 2 और 3 लिखा जाता है, और ये जो 14 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 1, 4 और 9। 1, 4, 9 का मतलब क्या है, ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है। इसी तरह ये जो हमारा 36 लिखा हुआ है, 36 को हम लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8 और प्लस 27, 27, 8, 35, 1, 36, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये लिखा है 2 का क्यूब और ये लिखा है 3 का क्यूब। यहाँ पर जो है पावर 1 वाली चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ पर पावर 2 करके लिखा गया है, यहाँ पे पावर 3 करके लिखा गया है, किसको, 1, 2, 3 को, ठीक है यहाँ पर। और ये जो 98 है, 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 98 इक्वल टू 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए ये 1 हो गया, 2 की पावर 4 क्या होगा, 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, 3 की घात 4, 3 3 9 और 9 9 81, ये हो जाएगा 16 1 6 1 7 1 8, और ये 8 1 9, 98 आ गया। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 की पावर 4 रखा, और हमें इसके आगे रिजल्ट पाना है 98 के आगे। तो 98 के आगे हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा, जब हम 1 2 और 3 की पावर क्या रखेंगे, 5, 1 की घात 5 प्लस 2 की घात 5 प्लस 3 की घात 5। तो इसको हम अगर निकालना चाहें तो ये तो 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, और ये हो जाएगा 81 में 3 का गुणा एक बार और कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये 81 आया था, 81 में 3 का गुणा आप करिए, 3 1 3 3 8 24, इसको आप जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 3 2 5 1 6, ये आया 6, और ये है 4 3 7, और ये यहाँ क्या है 2, तो आपका आंसर इसमें आएगा 276। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है तीसरा, यहाँ पर 5 है, तो 5 में से 16 कैसे मिलेगा, हम इसमें 11 ऐड करेंगे तब मिलेगा, और फिर हमें 16 से 49 कैसे मिलेगा, इसमें जब हम 33 ऐड कर रहे हैं तब हमें मिल रहा है, 9 में से 6 गया 3 4 में से 3 गया, और 49 से 104 हमें कैसे मिल रहा है, यहाँ अगर हम घटाना चाहें तो ये 14 9, तो ये 5, फिर यहाँ 9 9 में से 4 गया, तो ये 5, तो यहाँ देखें 1 3 5, अब आगे हमें 77 ऐड करना होगा, कहाँ, 104 में 77 ऐड करेंगे तो आएगा 7 4 11 और 7 1 8, और ये आएगा आपका 181, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 8 फिर 7 फिर 11 फिर 12 फिर 14 17 फिर 17, यहाँ रिपीट हो गया है, हमने आपको पीछे वाले वीडियो में समझाया, अगर आपने मेरा जो 1 घंटे का वीडियो है जिसमें मैंने 60 क्वेश्चन करवाए हुए हैं उसको आपने नहीं देखा तो उसको कर लीजिए, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने बेसिक से करवाए हुए हैं और वहाँ कुछ बेसिक रूल भी आपको समझाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं रिपीट हो गया है ये टर्म बीच में, यहाँ इसका मतलब है कि आपको 2 सीरीज यहाँ पर मिल सकती हैं, और इस चीज़ को हम चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन मार्क में पहुँच गए, यहाँ मिला 8 3 11 11 3 14 14 3 17, अब हमें 17 3 20 मिलेगा यहाँ पर जोड़ने के बाद, और अगर यहाँ से देखें इस वाले टर्म को, ये 7 5 12 12 5 17 17 5 22, तो ये रिकरिंग टर्म, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 2 6 12 20 30 ये सब ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है 2 3 6 2 2 12, फिर ये 8 20 हो रहा है इसमें, फिर 10 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे पहले तो हमें यहाँ से मल्टीप्लिकेशन लगा, लेकिन आगे जाकर के मल्टीप्लिकेशन यहाँ से रुक रहा है, तो अब हम यहाँ पर ट्राई करेंगे और कुछ प्लस का देखने का। तो यहाँ पे मिला 2 4 6 और 6 6 12 12 8 20 और 20 10 30, देखिए 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यहाँ 42 है, और यहाँ पर फिर आगे उसी तरह चलता चला जाएगा और आपका आंसर मिल जाएगा, ये सीरीज मिल गई।
और ये सीरीज भी इजी है, 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32 दुना 64, लेकिन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आगे टर्म आपको माइनस का मिलेगा, 32 दुना 64, 64 दूनी जो आएगा उसमें माइनस का चिन्ह लगा करके करेंगे। इसके बाद ये जो सातवां हमारा दिया गया है, लिखा है 7 26 63 124 215 342। अगर आप इन सभी को पढ़ें तो आपके माइंड में स्ट्रक करना चाहिए कि ये क्या है, 8 27 64 125 216। अब आप पकड़ लिए होंगे इस बात को कि ये चीज़ यही लिखी गई है पूरी, इसमें सिर्फ माइनस वन कर दिया गया सभी टर्म में, और ये ऐसे लिखा हुआ है, ये क्यूब वाले टर्म है माइनस वन करके। आठवां हमारा दिया गया है 3 12 27 48 75, ठीक है, इस तरह से लिया गया है यहाँ। तो अगर हम देखें, ये लिखा है 3 चौके 12, सॉरी इसको हम और ढंग से लिख दें तब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर ये लिखा है 3, तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 1 12 लिखा है, 3 चौके 12 27 लिखा है, 3 दवा 27 और 48 लिखा है, 3 गुणे 16 और 75 लिखा है, 3 गुणे 25 और ये लिखा है 3 गुणे 3 53 9 3 6 18। तो ध्यान से देखिए, 1 4 9 16, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो अगला टर्म हमें जो मिलना है वो मिलेगा 3 गुणे 7 का स्क्वायर, मतलब 3 गुणे 49। ये हमारा नेक्स्ट टर्म है, 3 9 27 3 4 12 2 14, हमारा आंसर है 147। नाइन्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है, नाइन्थ क्वेश्चन में लिखा है 20 19 17 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे पहले 1 घटाया गया, फिर यहाँ पे 2 घटाया गया, अब फिर लास्ट में हमें 5 घटाया गया। तो यहाँ देखें 1 2, यहाँ पे 3 घटा दिया, यहाँ 4 घटा दिया, तो सीरीज मिल जाएगी। इसके बाद है दसवां क्वेश्चन हमारा, 1 6 13 22 33, तो यहाँ 5 जोड़ा और 6 और 7 6 13 और 13 9 22, तो 5 2 7 2 9 और फिर यहाँ पे 11 जोड़ा, 9 2 11, अब आगे 13 जोड़ना चाहिए 33 में, ये आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, 24 में 60 हमको कैसे मिलेगा, इसमें हम 36 ऐड करेंगे तब, 60 से 120 हमें कैसे मिलेगा जब 60 ऐड करेंगे तब, 120 से 210 कैसे मिलेगा हमको जब हम इसमें 90 ऐड करेंगे तब। तो देखें ज़रा इसका भी अंतर हम चेक करें क्या क्या आ रहा है, ये 24 है, यहाँ 24 अंतर है, और 60 और 90 से 30 है, 24 6 30, आगे क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए 36, और 90 में हम 36 जोड़ें तो हमें मिलेगा 6 और ये 9 3 12 126। अब 210 में हमें कितना जोड़ना है, 126 जोड़ना है, तो हमारा आंसर पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ 6 आएगा, 2 1 3 2 1 3, ये 336 इसका पॉसिबल आंसर होगा। एंड अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तब आपको यहाँ ये जो सीरीज है 24 6 30, यहाँ पर 6 36 ना होकर के फिर और कुछ हो सकता है, जैसे मान लीजिए पहले 6 जोड़ा जाए, फिर 6 दुनी 12 भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन आपका पॉसिबल आंसर जो है ऐसे मिल जाएगा आप सर्च करेंगे तो। इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन दिया गया है, 3 दूनी 6 6 त्रिक 18 18 चौके 72। अब 72 गुणे 5 करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा, 5 दूनी 10 5 35 1 36, 360 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां दिया गया है, 3 7 6 5 9 3 12 1 15। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ें कुछ इस तरह से चल रही हैं, ये अल्टरनेट सीरीज वाली बन रही है, और ये 7 5 3 2 घटाया जा रहा है, 1, अब 1 में 2 घटा दिया जाएगा तो क्या आएगा, -1 आपका इसमें आंसर होगा, क्योंकि जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें 1 फाइंड आउट करना है, येलो लाइन पे तो आप 15 तक पहुँच गए हैं, ठीक है, 15 के आगे क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है वो ग्रीन लाइन के लिए दिया गया है, जो हरी हरी लाइन मैंने बनाई हुई है यहाँ पर। इसके बाद हमारा जो 14वां क्वेश्चन दिया गया है, 14वें क्वेश्चन में लिखा है 12 1 13 और 13 1 14, मतलब मिल गया हमें यहाँ पे, 12 और 1 को जोड़ करके हम 13 पाएंगे, 13 और 1 को जोड़ के 14, 14 और 13 जोड़ेंगे 27, तो जो अगला टर्म है 27 और 14 को जोड़ने पर ही मिलेगा, तो 7 4 11 की 1 हासिल 1,
दो दो चार, तो अगला टर्म हमारा 41 होगा। अगर इसके आगे भी जाना चाहें तो 41 और 27 जोड़ देंगे, वो हमारा टर्म आ जाएगा। इसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन दिया गया है। 15वें क्वेश्चन में है 2 4 12 48 240, तो ये है 2 2 4, 4 3 12 और 12 4 48, और ये लिखा हुआ है 48 5 240। अब आगे 240 में 6 का गुणा करना है हमें, तो 6 0 0 6 4 24 6 2 12 2 14 1440 आपका इसमें आंसर होना चाहिए। इसके बाद लिखा है 1 4 9 16 25, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये दिया गया है। आगे आपका 36 होगा 6 का स्क्वायर। 17वां क्वेश्चन लिखा है 2 3 5 6 9 12, यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क इस चीज़ को हिंट दे रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है आपके दो दो टर्म की सीरीज आपको मिले यहाँ पर, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 2 3 5 जुड़ा, यहाँ पे 5 3 8 होना चाहिए, 8 3 यहाँ पे 11 होना चाहिए। अगर इस तरह से हमें मिलता है तो इसको अगर हम चेक करना चाहें तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, 3 3 6 6 3 9 9 3 12, तो यस यहाँ पर जो हमको सीरीज मिली हुई है अल्टरनेट ऑर्डर में ज़रूर मिली हुई है, लेकिन इसमें हमें जोड़ करके मिल रहा है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे 3 3 6 6 3 9 9 3 12 अगर यहाँ मिल सकता है तो यहाँ 2 3 5, तो आगे 3 यहाँ पे 8 आएगा आपका आंसर, और 8 में 3 जोड़ने के बाद 8 3 11 यहाँ पे आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 18 नंबर पे, 563 से 647 पे हमें जाना है, तो हम इसमें बढ़ गए हैं, तो हम देखेंगे इसमें क्या चीज़ जोड़ी गई है। 7 में से 3 गया 4 आ गया, और 14 में से 6 गया तो 8 आ गया, ये 5 5 कट गया, तो इसमें +84 किया गया है। अब 647 से हमें 479 जाना है, मतलब हमें माइनस दे दिया गया है। 17 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 8 आया, और यहाँ पे 3 हो गया, 13 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 13 में से 7 घटाएंगे 6 आया, और यहाँ पे 5 हो गया, ये 4 से गया तो 1 बचा, मतलब ये 84 आया, 84 ये 84 दूना 168 आ गया है, यहाँ पे गुड़े 2 करके आ गया, हिंट में लिख लिया हमने, तो यहाँ का टर्म हमने निकाल लिया, यहाँ का टर्म हमने। अब ये 479 से 815 कैसे हो रहा है ये देखेंगे हम, 479 लिखा है ये, सॉरी 168 है ये, 479 इससे 815 कैसे आता है यहाँ, और ये गुड़ा यहाँ पर 2 हुआ है, क्या यहाँ पर भी गुड़ा 2 होगा, ये चेक करने के लिए हम इसको चेक करेंगे। ये 479 से 815 हो गया है, बढ़ गया है, 15 में से 9 गया तो ये हुआ 9 6 15, अब यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे हो जाएगा अब 10, 800 डालेंगे तो 10 में 7 गया 3 आया, अब यहाँ हो गया 7 7 में 4 गया 3, तो देखिए 2 का गुणा अगर हम इसमें करें, 2 8 16 2 6 12 1 13 2 1 2 1 3, तो यस यहाँ पर भी 2 का गुणा हो रहा है, और ये चीज़ अब प्लस है। अब 815 के बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस में, 336 गुणे 2, 336 गुणे 2 जो चीज़ होगी वो यहाँ पे 815 में माइनस होगी, तो 2 6 12 की 2 हासिल 1, और 2 3 6 1 7, और 2 3 6, 815 में हम 672 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। 19वां क्वेश्चन दिया गया है 4 10 क्वेश्चन मार्क 82 244 300 730, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट तेज़ी से हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है गुणा का टर्म है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 7, इनको पकड़िए आप, इनके पीछे के दो दो टर्म छोड़ दीजिए, यहाँ लिखा है 8 तो यहाँ 8 3 24 आ रहा है, तो ज़रा हम यहाँ पे एक चीज़ ट्राई करके देखें, 82 244 वाला ट्राई करके देखें, अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं इसमें तो हमें मिलेगा 3 2 6 और 3 8 24, 246 मिलेगा जबकि 244 लिखा है, इसका मतलब हाँ यहाँ पे गुड़े 3 माइनस 2 किया गया है। अगर हम इसको देखें 244 में 3 का गुणा करें तो आएगा हमारा 3 4 12 3 4 12 1 13 3 3 2 6 732 आया, लिखा है यहाँ पे 730, इसका मतलब यहाँ पर भी गुड़ा 3 माइनस 2 किया गया है। पूरे क्वेश्चन में 4 3 12 माइनस 2 10 10 3 30 माइनस 2 28, और 28 गुड़े 3 माइनस 2 करने पर 82 आना चाहिए, तो 3 8 24, 3 6 2 8 84 माइनस 2 82, यस, तो पूरे सीरीज में आपको गुड़े 3 माइनस 2 चलाना है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है 3 4 7 7, देखिए ये रिपीट हो गया, 13 13 रिपीट हो गया, इसका मतलब इसमें हमारी दो दो सीरीज छुपी हुई हैं, ठीक है, थीके? तो देख लेते हैं 3 4 7 7 6 13, मतलब पहले 4 फिर 6 और फिर ये 8 जोड़ करके 21,
फिर ये 10 जोड़कर 31, आगे क्या जुड़ेगा, अब 12 जुड़ना चाहिए, तो ये आ जाएगा 2 1 3 3 1 4, यहाँ पे आपका आंसर होगा 43। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 21। 21 में हमको दिया गया है 1 2 5 12 27 58 21 121, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 1 और 2 के बीच मिलेगा +1, 2 और 5 के बीच मिलेगा +3, 5 और 12 के बीच मिलेगा +7, और 12 और 27 के बीच में अगर हम जाएँ तो हमें मिलेगा 5 और +15, और 27 और 58 के बीच में जाएँ तो हमें मिलेगा +1 +31, और 58 से 121 के बीच में जाना चाहें तो हमें मिलेगा 11, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो गया 11 6 5 11 63। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो हमें मिला है 1 3 7 15 और 31 और 63, ये चीज़ें हमें ऐड करके मिली, हमें आगे वाला टर्म ढूंढना है। तो यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे 3 4 7, यहाँ पे 8 बढ़ा, अब 15 से 31 में कितना बढ़ेगा 16, तो यहाँ पे 2 2 4 2 8 2 16 2 32, अब यहाँ पे 64 बढ़ करके हमें टर्म मिलेगा, तो 3 4 7 6 6 12 127 अब हम जोड़ेंगे 121 में, तो हमारा आंसर होगा 121 में 127 जोड़े 7 1 8 2 2 4, अब ये 2 248 हमारा आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो 22 क्वेश्चन नंबर दिया गया है 32 44 58 74 92 112, तो इसको अगर हम देखें तो 32 से 44 में हमें पहुँचने के लिए क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा कितने का, 12 का, हमें इसमें 12 जोड़ना होगा, तो ये हमने यहाँ पे 12 ऐड किया, और 44 से 58 पहुँचने के लिए हमें 14 जोड़ना होगा, और इससे यहाँ तक पहुँचने के लिए 14 8 6 14, यहाँ पे हमें 16 जोड़ना होगा, तो 12 2 14 2 16, फिर आगे 18 जोड़िए, फिर आगे 20 जोड़िए, फिर 22 जोड़िए, ऐसे करते हुए आपकी ये सीरीज बनेगी, आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। इसके बाद 23वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, 23वें क्वेश्चन में लिखा है 121 114 105 94 81 66, तो यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारा 7 घटा दिया गया है, 121 114 में अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं -7, फिर 114 100, तो यहाँ -9 कर दिया गया है -9, और फिर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर -11 किया गया है 105 और 94 के बीच में, और यहाँ पे देखें अगर हमारा तो -13 कर दिया गया, तो ये देखिए आपका ये माइनस का टर्म है पूरा, 7 2 9 9 2 11 11 13, यहाँ पे -15 किया जाएगा, तब आपका यहाँ पे 66 वाला टर्म बनेगा, फिर आपका बाद में -17 किया जाएगा, कहाँ 66 -17 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, इसके बाद 24वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 24वां क्वेश्चन में है 7 4 5 9 52.5, और फिर इसके बाद दिया गया है 160.5, इस तरह करके हमें दे दिया गया है, इसमें हमें दशमलव के टर्म मिले हुए हैं, तो हम इस बात को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, और वो भी दशमलव का दिया गया है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ट्राई करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पता लगाएंगे कि आखिर में यहाँ पे कौन सी चीज़ का हमें गुणा कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 52, यहाँ लिखा है 160, तो ये लगभग 3 गुना के आसपास, अगर हम इसको 50 माने इसको 150 माने तो 3 गुना है, तो इसमें ज़रा 3 का गुणा करके देख लेते हैं किस में, इसमें 3 5 15 हासिल 1 आया, 3 6 1 7 आया, और 3 5 15 ये हो गया 157.5, और हमें कितना दिया गया है 160.5, इसका मतलब अगर हम गुणा 3 करते और +3 कर देते तो हमारा रिजल्ट आ जाता। ठीक है, हमारा रिजल्ट क्या आ जाता, ये वाला आ जाता। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर कि यहाँ पर तो हमारा गुणा 3 + 3 करने पे आया, यहाँ पर क्या होना था, यहाँ पर क्या होना था देख लेते हैं। अगर यहाँ वाला देखें जो 7 और 4 वाला दिया है, 7 और 4 वाले से आप ये समझ सकते हैं कि हमें 7 दिया गया है और 4 दिया गया है, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो 7 होता है उसका आधा क्या होता है, 3.5 होता है, 3.5, तो अगर हम 7 का आधा कर दें, मतलब हम 7 × 0.5 लिखें, तो हमें क्या मिला, 3.5 मिला, और 3.5 में यही इतना और जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, ये आगे वाला टर्म मिल जाएगा, तो 0.5 + 0.5 करेंगे तो सबसे पहला टर्म हो जाएगा, और फिर 4 से अगर हम 5 जाना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4 × 1 = 4 + 1 = 5, और 5 से अगर हम 9 में जाना चाहें तो हम देखिए 0.5 था अब 1 हुआ, अब 0.5 की और वृद्धि करें अगर हम, तो यहाँ हमारा गुणा में आना चाहिए 1.5,
क्या आना चाहिए, 1.5 आना चाहिए। और ये तो गुणा में है 1.5, यहाँ पे आपको प्लस में भी 1.5 अगर करने पे आपका रिजल्ट आता है तो आप मान लीजिए, तो 1.5 का गुणा 5 में करना है, 15 5 75 होता है, और 75 में आप और इतना जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और 1 दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो यस, ये हमारा रिजल्ट एकदम सही है। तो हमें यहाँ पे कौन सी सीरीज मिल रही है, एक बार यहाँ पे आपको फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको सीरीज मिल रही है 0.5 का गुणा सबसे पहले, और फिर लिख देते हैं हम इस बात को, गुणे 0.5 प्लस 0.5, फिर मिल रहा है गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1.5, यहाँ पे 1.5 प्लस 1.5, फिर गुणा 2 मिलेगा आपको, प्लस 2 आप करेंगे प्लस, फिर इसके बाद आप करेंगे गुणा 2.5 प्लस 2.5, और अंतिम में आपका गुणा 3 और प्लस 3 यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि हमने अभी सबसे पहले इसको चेक किया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो थोड़ा आपका टाइम ज़रूर लेंगे, लेकिन सॉल्व तो होना ही है, ये कहीं भाग करके जाएंगे नहीं। 4 और 10 के बीच में दिया गया है 6 का अंतर, और आपका 10 और 40 के बीच में दिया गया है 30 का अंतर, 40 और 190 के बीच में दिया गया है 150 का अंतर, इसी तरह करते जाएं तो हमें दिया गया है 750 का अंतर। तो यहाँ 6 5 30, 3 5 150, 15 5 75, अब आगे जो भी जाएगा इसमें गुणा 5 करके जाएगा, और उस टर्म को हम इसमें जोड़ते जाएंगे, तो ये आपकी एक सीरीज मिल गई। यहाँ पर 26वां क्वेश्चन हमको जो दिया गया है 2 15 4 47 7 118। तो देखें, ये वाले टर्म हमें बड़े बड़े दिए गए हैं और 2 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हैं, तो ठीक है, इसमें 2 सीरीज भी हो सकती हैं। ये 2 2 4, 4 3 7, मतलब 2 प्लस 2 4 आया, 4 3 7 आया, 7 4 11 आया, और 11 5 16, अंतिम वाला टर्म आएगा 16 जोड़ने पर। और ये क्या है, 15 3 45 2 47, ठीक है, 15 3 45 और 2 47। आगे इसको अगर हम सर्च करें, 47 गुणा 3 अगर हम करना चाहें तो 3 चौके 12, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको हम गुणे 2 अगर करें तो देखें, 2 7 14 की 4 हासिल, 1 2 चौके 8 1 9, 94 हो रहा है, इस तरह से जा रहा है इसमें। और हम घटाना करके चेक कर लेते हैं कि घटाना क्या हो रहा है हमारा इसमें। तो 15 और 47 के बीच में अगर हम जाना चाहें तो यहाँ घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 1 गया 3, और 118 से 47 घटाना चाहें तो 8 में से 7 गया 1, 11 में से 4 आया, 32 से 71 आया। यहाँ पर भी हमारा कोई अच्छा सा टर्म नहीं मिल रहा है। यहाँ पर तो हमें मिल गया कि हमने 2 में 2 जोड़ा 4 आ गया, 4 3 7 कर दिया, 7 4 11 कर दिया, 11 5 16 कर दिया, मतलब हमें यहाँ पे 2 3 4 5 का एडिशन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ अच्छा सा टर्म नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमें मिला 32 और फिर 71, ज़रा इसका अंतर लें और देखें क्या आता है, 11 9 2 11 6 3 3 39 का अंतर आ रहा है। तो हो सकता है आपको, अगर जब ऑप्शन दिया जाएगा तो आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, यहाँ चेक कर सकते हैं फिर से 39 ऐड करके, यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे जो आ रहा है चीज़, उसको आप ऑप्शन में मैच कर सकते हैं। बाकी ये जो सीरीज आपको मिली हुई है, ये इसमें 2 सीरीज मिक्स हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 27 नंबर पर, 27 नंबर पर दिया गया है 2 14 सॉरी 1 2 3 14 5 37 7, इस तरह दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमें 2 2 सीरीज देखने में मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें 1 3 5 7, ये देखिए छोटे छोटे टर्म हैं, और 2 14 और ये 34, फिर ही आगे हम जहाँ पर जा सकें। तो इसमें भी आपकी 2 2 सीरीज हैं, आप ट्राई करिएगा, आपसे भी ये क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए आराम से। ये क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, ए बी सी डी वाली नंबरिंग यहाँ पर कर दी गई है। जैसे 25 है तो 25 से 23 मिला, 23 से 21 मिला, 21 से 19 मिला, ठीक है, 19 से आगे आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले 17 मिलेगा, यहाँ पे के है, ठीक है। तो ये देखिए ज़रा, ई एफ जी एच आई है ना, तो यहाँ ई है तो यहाँ पे डी मिसिंग रहेगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सी मिलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से, अगर हम पढ़ें इसको फिर से, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, सी डी ई ई एफ जी जी एच आई आई जे के, ठीक है, ये ऐसे मिल गया।
अब यहाँ पे हमें जो दिया गया है, क्या दिया गया तीसरा टर्म, 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17 और 17 3 यहाँ पे 20 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 17 सी 20 आंसर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन हमको दिया गया है, 0 7 26 124। तो ये लिखा है, ध्यान से देखिए, 1 8 27, आप इसको 64 लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये लिखा है 125। मतलब ये घन वाली संख्याएं लिखी हैं और उसमें एक घटा करके लिखा है सभी टर्म में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है आपके इस प्रैक्टिस सीरीज का, वो लिखा हुआ है 6 12। तो यहाँ पे 6 में 6 जुड़ा, 8 जुड़ा 10 जुड़ा, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैं एक और प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मल्टीप्लिकेशन के टर्म रहेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।